खबर उत्तर प्रदेश की बांदा की है, जहां वर्तमान प्रधान के भतीजे ने तमंचा लगाकर युवक के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार तिलक समारोह से निमंत्रण कर वापस लौट रहे युवक को बीच रास्ते पर अवैध तमंचा लगाकर बेरहमी से मारा पीटा गया। वहीं उसके जेब में पड़े रुपए भी छीने गए। पीड़ित के आरोप पर कोतवाली बबेरू में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़ित का CSSC बबेरू में मेडिकल परीक्षण भी कराया। एक दिन मैं तिलक समारोह से अपने घर जा रहा था, रास्ते में रामबाबू प्रधान के भतीजे, वर्तमान प्रधान है उसका भतीजा, हिस्ट्री सीटर मतलब उनके बाप हिस्ट्री सीटर हैं, सदस्य निषाद और रामबाबू सब हिस्ट्री सीटर हैं। रास्ते में कट्टा लिए खड़े थे, मेरी गाड़ी रुकवा लिया, मेरे कट्टा अड़ा दिया और लाठी डंडे से मुझको मारपीट करने लगे। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया है? इसकी शिकायत हमने बबेरू कोतवाली पे किया। तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला? FIR दर्ज हो गई है। बांदा से नेशन मिरर के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।